ये देखिए, ये बाबू मेरा कितना मस्ती से नहा रहा है। उसको नहाना बहुत अच्छा लगता है और मालिश इतना अच्छे से करवाता है, बिल्कुल रोता ही नहीं है। नहाने में भी नहीं रोता है और मालिश करवाने में भी बिल्कुल नहीं रोता है। और बच्चे देखिए कितना जो है मन से इनको नहला रहे हैं। जब ये नहाने जाता है तो सारे बच्चे जो है घेर लेते हैं, तो नहलाने लगते हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है नहाने में। तो देखिए कैसे नहा रहा है। और यहाँ पे हो रखा है धूप, तो जो है बस कपड़ा वपड़ा पहना के, नहला धुला के कपड़े पहना के और लेटा दिए हैं, कितना मस्ती के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है इसकी मस्ती। तो आज मैं बहुत दिनों बाद मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं होता है, जब मैं कोई डिश बना रही होती हूँ तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि भाभी ही बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सहीना। तो ये है मूंग दाल और इसमें जो है अरवी का पत्ता और मतलब ढेर सारे गरम मसाला, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सब मिक्स करके ये सब बनता है सहीना। तो इसकी ग्रेवी भी लगती है, लेकिन मैंने जो है मतलब इसको नाश्ते में बना रही हूँ। चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है गरम गरम। तो और उसके बाद फिर मैं रात का डिनर बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, देसी स्टाइल में मटर पनीर बना रही हूँ। क्योंकि आज मैं खाना बना रही हूँ तो इसलिए शूट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था। तो मसाला सारा तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने पहले प्याज डाला है, प्याज को ब्राउन कर लिया है। उसके बाद हम डाल दिए हैं मटर, क्योंकि मटर पकने में टाइम लगता है। तो मटर अच्छे से पक गई है, उसके बाद हम सारे जो है मसाले डाल देंगे। इसमें है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, तो ये सब है। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे और खड़े मसाले भी हैं, तो बस इसको धीमी आंच पे भून लेंगे। और बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुआ था, तो बस इसको हम धीमी आंच पे भून लेंगे। उसके बाद सूखे मसाले मिला देंगे, डेली वाले जो डाले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तो ये सब लिया है मैंने। और ये देखिए मेरी सब्जी अच्छे से भुन गई है। तो ये है मटर पनीर की सब्जी और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। तो बस ये भुन गई है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे पनीर। और इसके बाद ये दूसरे दिन का जो है मॉर्निंग टाइम है, तो बच्चे सुबह सुबह गए हैं मॉर्निंग वॉक करने। तो ये जो है मतलब बगीचे का नज़ारा है और देखिए चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है और बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं और इन लोगों को कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह सारे बच्चे मेरे घर के जो है मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लोग मस्ती कर रहे हैं। पानी में रहने वाले 3 जानवर के नाम बताओ। मैना। अच्छा, तो मम्मी पापा। नहीं मिले सोना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्लैश, गुड इवनिंग। ओले 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 ओले।
कितना खेलने का मन कर रहा है तुम्हें? देखो बाबू ये देखो, ये बोलो, रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बाबू देखिए सोना सोना बाबू भाई सोना, ये बच्चे कौन है, ये क्यूट कौन है, बोलो इनमें से तो लाइफ है, उसमें भी सुबह ना मामा जल्दी उठा देती है। तो बताओ 1857 में क्या हुआ था? मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी।